वीकली एक्सपायरी से पहले आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ है। 24 जनवरी के बाद आज पहली बार निफ्टी 18,000 के पार बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, आईटी और ऑटो शेयरों में रही। इंफ्रा और मेटल इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। हालांकि FMCG और फार्मा शेयरों पर दबाव रहा, वहीं दो दिनों की गिरावट के बाद मिड कैप में खरीदारी रही। सेंसेक्स 243 अंक चढ़कर 61,275 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 86 अंक चढ़कर 18,016 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 83 अंक चढ़कर 41,731 पर बंद हुआ है। वहीं मिडकैप 189 अंक चढ़कर 30,671 पर बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 36 शेयरों में तेजी रही। वहीं सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक के 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे कमजोर होकर 82.80 के स्तर पर बंद हुआ है। मिला जुला रहा अडानी समूह के शेयरों का प्रदर्शन। आज के कारोबारी सत्र में अडानी समूह की कुछ कंपनियों जैसे अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 1% तक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी पावर में गिरावट देखने को मिली है। इनमें से प्रत्येक में 5% का लोअर सर्किट लगता दिखा। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी इंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं HUL, सनफार्मा, ITC, LNT और ONGC निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं। BSE पर आज 200 से ज्यादा शेयरों ने अपना 52 हफ्ते का लो हिट किया। इनमें 3i इन्फोटेक, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, JBF इंडस्ट्रीज, स्पाइसजेट, बाटा इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया, सनटेक रियल्टी, कॉफी डे इंटरप्राइजेस, पटेल इंजीनियरिंग और थायरोकेयर टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजर डालें तो टोरेंट पावर, बाटा इंडिया और इंटरग्लोब एविएशन के वॉल्यूम में 400% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। टोरेंट पावर, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है, जबकि भारत फोर्ज, इंटरग्लोब एविएशन और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बुधवार 15 फरवरी को बढ़कर 267.32 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 14 फरवरी को 266.00 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 16 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज शुरुआती कारोबार में बाजार थोड़ा वोलेटाइल रहे, लेकिन कारोबारी सत्र के आखिरी हिस्से में बाजार में तेजी आती दिखी और अंत में चुनिंदा शेयरों में हुई खरीदारी के दम पर ये हरे निशान में बंद हुए। ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता के चलते ट्रेडर बाजार में सावधानी बरतते दिख रहे हैं। बाजार में ये ट्रेंड अगले कुछ और समय तक कायम रह सकता है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो 17,900 के पार जाने के बाद बाजार 17,850 के ऊपर टिका हुआ है। ये बाजार के लिए काफी पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा निफ्टी ने आज इंट्राडे चार्ट पर बुलिश कैंडल और हायर बॉटम फॉर्मेशन किया है। ये बाजार में वर्तमान स्तरों से और तेजी आने का संकेत है। ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडरों के लिए अब 17,900 पर सपोर्ट दिख रहा है। इसके ऊपर निफ्टी 18,100 से 18,150 तक जाता दिख सकता है। वहीं अगर निफ्टी 17,900 के नीचे जाता है तो फिर ये गिरावट बढ़ सकती है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है। ये बाजार में तेजी लौटने का संकेत है। निफ्टी के 14 DMA के नीचे होने के साथ ही बाजार में नियर टर्म में तेजी आने का संकेत दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी 50 के ऊपर कायम रहने के पॉजिटिव संकेत दे रहा है। नियर टर्म में निफ्टी हमें 18,350 से 18,400 की तरफ जाता दिख सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,950 पर सपोर्ट दिख रहा है।